कि आप सब देख पा रहे हैं रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सामने रथ यात्रा के सामने करवा नृत्य किया जा रहा है और पीछे पीछे जगन्नाथ भगवान जी के रथ को खींचते हुए श्रद्धालुगण जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं कमलेश और आज मैं जा रहा हूं कोरबा में पिछले 120 सालों से हो रहे रथ यात्रा पर और इस साल जब ये रथ यात्रा पूर्ण होगा तब ये 121वां साल में गिनती चालू हो जाएगा। आप मेरे पीछे का यह नज़ारा देख सकते हैं, पीछे खेत हैं और ये पीछे पहाड़ी नुमा जगह। दरअसल ये जगह है मानिकपुर से होते हुए दादर के लिए जाने वाला रोड है ये। इससे होते हुए भी आप आसानी से दादर के लिए पहुंच सकते हैं। दादर के लिए एक दूसरा रोड है कोरबा के निहारका घंटाघर चौक से होते हुए रविशंकर नगर से होते हुए आप दादर के लिए आ सकते हैं, या फिर टास्फो नगर से मुड़ा पार होते हुए आप आसानी से दादर तक पहुँच सकते हैं। इससे पहले मुझे कभी भी यहाँ होने वाले रथ यात्रा पर शामिल होने का कोई मौका नहीं मिल पाया था, तो इस बार मैं पहले से ही रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, मेला किस टाइप से लगता है। तो हमारी इस वीडियो में जुड़े रहिए, हम आपको सभी जगहों के दर्शन बहुत ही अच्छे से करवाएंगे और रथ यात्रा रथ के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में। I'm going to go to the hospital.
आपका
जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सामने रथ यात्रा के सामने कर्मा नृत्य किया जा रहा है और पीछे पीछे जगन्नाथ भगवान जी के रथ को खींचते हुए श्रद्धालुगण यात्रा जगन्नाथ मंदिर से होते हुए राम जानकी मंदिर तक जाएगी। Thank you.
राइट मिल रहा है। लेकिन टोकरी बनाई ना तो का तो मार दी। माता रानी कहाँ दिल दिक्कत है बता पाए। अच्छा तो ऐसे लगता है मतलब सांप या कुछ तो ऐसे लपटाया था। बढ़िया तो दिल बनाने के लिए अपलोड है यूट्यूब। ¿Cuándo me la dio? ¿Cuándo me la dio?